2022 साल राचकोंडा पुलिस के लिए काफ़ी बिजी साल रहा। हमारा जो ओवरऑल क्राइम है 19% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज के बाद भी हमारे जो स्पेशल हेड्स है क्राइम्स के, जिसमें खासकर मर्डर केसेस है, मर्डर केसेस, रेप केसेस, किडनैपिंग केसेस, ये कम हुए हैं। जो हमारा ये क्रिमिनल केसेस का कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन काफ़ी बड़ा है, और इस बार हमारा राचकोंडा का पुलिस कन्विक्शन स्टेट में नंबर वन है, 59% कन्विक्शन। उसके अलावा हमें जो 267 केसेस हमारे कन्विक्ट हुए, उसमें 22 केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, वो भी स्टेट में एक रिकॉर्ड है। प्रॉपर्टी रिकवरी इस साल 63% है। क्राइम डिटेक्शन जो है वो 60% है। काफ़ी सारे जो सेंसेशनल केसेस है, वो सेंसेशनल केसेस डिटेक्ट करने में हम लोग कामयाब रहे। खासकर अभी जो 1 दिसंबर को महादेव ज्वेलरी का जो डेकोएटिक केस हुआ था फायरआर्म का, जिसमें 2 जो ज्वेलर्स इंजर्ड हुए थे, वो केस भी डिटेक्ट करके उस केस में 7 लोगों को हिरासत में लेके 100% 1,35,00,000 का प्रॉपर्टी, सोना, 4 फायरआर्म जो इसमें यूज़ किए वो भी हमने बरामद किए हैं। इससे अलावा हाल ही में जो सेंसेशनल केस हुआ था डेंटिस्ट वैशाली किडनैप का, उसमें भी 41 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। इससे अलावा जो इब्राहिमपट्टनम में 1 मार्च को जो 2 रियल्टर का मर्डर हुआ था फायरआर्म से, वो केस में भी हमने 7 लोगों को अरेस्ट करके अभी उस केस का ट्रायल ये महीने में शुरू होने वाला है। इससे अलावा जो ड्रग्स के ऊपर जो खासकर ये ईयर में हमने काफ़ी अच्छा एनफोर्समेंट किया है, तकरीबन 140% ज़्यादा एनफोर्समेंट पिछले साल से हुआ है। 7.5 टन गांजा, 8.5 किलो सुडो एपीड्रिन, बाकी बहुत सारे MDMA, LSD, हशीश ऑयल, काफ़ी सारे ड्रग्स हमने रिकवर किए हैं। 225 तकरीबन केसेस अभी तक नमूद हुए, कि जिसमें 650 तक मुस्लिम हमने जो ड्रग ऑफेंडर है उनको अरेस्ट किया है। उसमें 94 ड्रग ऑफेंडर के खिलाफ हमने पीडी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी काफ़ी अच्छा काम इस साल हुआ है, तकरीबन 250 विक्टिम्स को, महिलाएं हो, छोटी बच्ची हो, गर्ल्स हो, उनको हमने रेस्क्यू किया है सेक्स ट्रैफिकिंग से, और 34 ब्रॉथेल्स भी हमने क्लोज किए हैं, जिसमें कुछ लॉजेस भी है, इसमें इंटरनेशनल बांग्लादेश वगैरह का भी विक्टिम्स है, जिसको हमने यहाँ पे रेस्क्यू किया है। इस बार पहली बार हमने जो हमारे वर्कसाइड स्कूल, जो हम चाइल्ड लेबर उड़ीसा से जो ब्रिक किन में काम करने के लिए मजदूर आते हैं।